नमस्कार दोस्तों, इन दिनों कोरोना से भारत के हालात किस तरीके से बिगड़े हैं यह तो हम सभी जानते हैं। देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ किया है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं होगा उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल या उसके बाद छूट दे दी जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। यहां लोगों को न बाहर जाने को दिया जा रहा है और न ही बाहर के लोगों को इन हॉटस्पॉट जगहों पर आने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना के सबसे अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में 3 मई तक पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन जिन जगहों पर 20 अप्रैल के बाद छूट दी जाएगी या लॉकडाउन पूरी तरह बंद हो जाएगा तब लोगों को आने एवं जाने की छूट दी जाएगी। लेकिन इस छूट के लिए आपको ई पास की जरूरत पड़ सकती है। ई पास कोई सरकार नहीं जारी करेगी, बल्कि उसके लिए आपको सरकार द्वारा जारी की गई आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करनी होगी और उसे अच्छे से चलाना सीखना होगा। उसके बाद आपको उसमें एक ऑप्शन मिलेगा ई पास जनरेट, उस पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ से आपको उसके इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस जो भी होंगे उसे पढ़ना होगा। उसके बाद वहाँ से आपको पास ई पास या फिर कर्फ्यू पास जनरेट कर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए घूमने फिरने या गाड़ी के लिए आप काम आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं किया है अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, आईफोन में, तो प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और अच्छे से चलाना सीखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।